एक प्यार का नगमा है, मौजू की रवानी है। ये गाना और ये महिला तो आप सभी को याद ही होगी। जी हाँ, ये महिला रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर फेमस हुई रानू मंडल है। पश्चिम बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर बैठकर लता मंगेशकर की आवाज में गाना गाने वाली रानू मंडल अपने इस टैलेंट को लेकर रातों रात ही सुपरस्टार बन गई थी। अपने एक वीडियो के चलते रानू मंडल ने पूरे देश में अपनी दमदार पहचान बना ली। इसके बाद रानू मंडल को हिमेश रेशमिया ने अपने फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर में गाने का मौका दे दिया। देखते ही देखते रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर गुजर बसर करने वाली महिला बुलंदियों की ऊंचाई छूने लगी। हालांकि सेलिब्रिटी बनने के बाद रानू मंडल को कई बार ट्रोलर्स का भी सामना करना पड़ा। इंटरनेट सेंसेशन कभी अपने मेकअप को लेकर तो कभी मीडिया से बदसलूकी को लेकर खूब ट्रोल हुई थी और अब वो वापस अपने पुराने घर में पहुंच गई है। दरअसल रानू के रेलवे स्टेशन पर गाए गाने का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें हिमेश रेशमिया ने अपने साथ काम करने का मौका दिया, जिसके बाद उनके दो गाने भी रिलीज हुए जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया। हालांकि उन गानों में रानू को गाने के लिए बहुत कम अंश मिले थे, इसे लेकर हिमेश की भी काफी आलोचना हुई थी। वहीं अब ऐसा लगता है कि रानू मंडल को काम नहीं मिल रहा है, इसलिए अब वो मीडिया से दूर हो चुकी हैं। न्यूज 18 बांग्ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक रानू मंडल इन दिनों अपने पुराने घर में ही रह रही है। खबर मिली है कि आजकल रानू मंडल अपने पुराने घर में रहकर अपनी बायोपिक पर काम कर रही हैं और शायद इसी कारण से वो मीडिया से भी दूर हो चुकी हैं। हाल ही में ये बताया गया था कि वो अपने बायोपिक पे काम कर रही हैं। आपको बता दें कि जर्नलिस्ट से डायरेक्टर बने ऋषिकेश मंडल रानू मंडल की जिंदगी पर बेस्ड बायोपिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम प्लेटफॉर्म सिंगर रानू मंडल रखा गया है। फिल्म में रानू की रेलवे स्टेशन से बॉलीवुड में कदम रखने तक की जर्नी को दिखाया जाएगा। खास बात यह भी है कि रानू की बायोपिक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड विनर साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस सुदीप्ता चक्रवर्ती को अप्रोच किया गया था। आपको बता दें कि रानू मंडल पिछले दिनों ट्रोलिंग का शिकार भी हुई थी। दरअसल उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो अपने एक फैन को उनके साथ सेल्फी लेने के लिए मना कर रहे थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था। इस मामले को लेकर हाल ही में हिमेश रेशमिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जब मैंने रानू मंडल को ब्रेक दिया तो मैं चाहता था कि मुझे लता जी जैसी आवाज मिले जो तेरी मेरी कहानी सॉन्ग के आलाप में कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न गिटार से मेल खा सके और मुझे वो आवाज मिल गई। जब ये गाना हिट हो गया तो वो सब जगह छा गई। मुझे लगता है कि सेल्फी लेने की घटना के बाद ही उन्हें ट्रोल किया गया जो उन्होंने फैन के साथ नहीं खिंचवाई थी। हिमेश रेशमिया ने आगे कहा कि मुझे पीछे की कहानी नहीं पता, मैं इस बारे में जवाब देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब आपको सारी अटेंशन मिलती है, जब आप स्टार बन जाते हैं, लोगों का खूब प्यार मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता जहाँ से वो आई थी इसके लिए वो तैयार थी या नहीं थी, लेकिन वो स्टार बन गई। हर सेलिब्रिटी को इससे गुजरना होता है, चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।